हमें लग रहा है कि ये सरकार जो है वो संघ आरएसएस के शह पर ओबीसी दलित एससी का अधिकार लगातार छीन रही है, जिसकी राजस्थान में पूरी कोशिश है जातीय धर्म के आधार पर हिंसा करने की। बजरंग दल पर बैन करेंगे, किससे तुलना की प्रधानमंत्री जी ने बजरंग बली को। पूरा कर्नाटक का चुनाव जो है धर्म के ऊपर लाकर बांटने की कोशिश। राज्य में चुनाव है, हमें बिल्कुल डर है, भाजपा वहां जीतने के लिए धर्म और जातियों को लड़वा सकती है। हमला देश के लोकतंत्र पर, संविधान पर है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर है, हम सब पर यह हमला है। और अब ये लड़ाई हम सबकी मिलकर बन जाती है। चुपा देश में है, भाजपा डबल इंजन की सरकारें बहुत जगह है जो लोगों का हक मार रहे हैं। इस क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपको मालूम है कि जहाँ जहाँ सरकार इनको हासिल करनी होती है, फिर उदाहरण दूंगी कर्नाटक में क्या हुआ, बजरंग दल की हिंसक कार्रवाइयों के तहत ये बयान दिया था कि हम बजरंग दल पर बैन करेंगे, किससे तुलना की प्रधानमंत्री जी ने बजरंग बली को। पूरा कर्नाटक का चुनाव जो है धर्म के ऊपर लाकर बांटने की कोशिश। नतीजा क्या हुआ, कर्नाटक के लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब राजस्थान का चुनाव है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का चुनाव है, और इन चुनावों में प्रधानमंत्री जी ने अपने एक सांसद रमेश बिधूरी से नई संसद में खड़े होकर एक धर्म विशेष के खिलाफ जहर नफरत से भरा उगलने को कहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाजपा ने अगर नहीं कहा होता तो अब तक रमेश बिधूरी पर कार्रवाई हो गई होती या नहीं। और हमें पता है कि राजस्थान में पूरी कोशिश है जातीय धर्म के आधार पर हिंसा करने की। आजकल में आचार संहिता लागू हो जाएगी, पुलिस प्रशासन कानून पूरी तरह से वहाँ की कानून व्यवस्था वो चुनाव आयोग के अधीन हो जाएगी। और हमारा निवेदन है, जब तक हमारा बस था, हमारी सरकारें थी, हमने किसी भी हिंसा को, किसी भी तरह की हिंसा को होने नहीं दिया। हुआ है उसे कामयाबी से रोकते हुए अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है, उन्हें बचाया नहीं भाजपा की तरह। लेकिन अब चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस जिस राज्य में चुनाव है हमें बिल्कुल डर है, भाजपा वहां जीतने के लिए धर्म और जातियों को लड़वा सकती है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि पूरा चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट इसमें नजर रखेगा कि लोग निष्पक्षता के साथ बिना डर और बिना हिंसा के अपने मत का इस्तेमाल कर सकें। मैडम, जातिगत वायरल नहीं हुई है, उस पे कोर्ट्स भी लिखे गए हैं, और सबसे जो भयानक कोर्ट है ये लिखा गया कि भारत को बर्बाद करना चाहते हैं राहुल गांधी। आपने बहुत बड़ी बात की, मैंने पोस्टर का जिक्र किया, सही कहा, उसके नीचे जो भाजपा ने लिखा है, जो हिंसा के लिए, हमें मालूम है भाजपा के अंदर नफरत और जहर से भरे हुए बहुत से गुटसेवादी आज भी जिंदा हैं, और बिल्कुल उन्हें ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि जैसे आपने गांधी की हत्या करके अपना जो है हिंदू धर्म या देश को बचाया है, उसी तरह अभी भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि राहुल गांधी की भी वही अंजाम होना चाहिए। कैसे कह रही हूँ, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, हम सबने गांधी जयंती मनाई, G20 के राष्ट्राध्यक्ष जो आए थे गांधी की बापू की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन 2 अक्टूबर को पूरी भाजपा आरएसएस उनसे जुड़े हुए लोग जो गोडसे समर्थक हैं, गोडसे क्या ट्रेंड करते हैं, गोडसे जिंदा बात ट्रेंड करते हैं, तो ये चिंता हम सबकी है। अब पत्रकार साथियों से पूछूंगी, आप बचे हुए हैं क्या? YouTube चैनल्स के ऊपर अब भाजपा प्रधानमंत्री जी की भी नजर है, अपना भी चैनल खोल लिया, अपील कर रहे हैं कि बेल आइकॉन दबाइए, और मणिपुर बेल आइकॉन दबाई जा रहा है, घंटी बजा रहा है, प्रधानमंत्री जी की नींद ही नहीं खुल रही है ना। सो हमला लोकतंत्र पर है। मैंने तभी अपने भाषण में भी कहा कि बात अगर कांग्रेस मुक्त भारत तक होती सीमित, हमला सिर्फ गांधी पर होता, हमला सिर्फ राहुल गांधी पर होता, तो शायद आप भी मंजूर करते हम भी, पर अब ये हमला सिर्फ गांधी राहुल कांग्रेस पर नहीं है, ये हमला देश के लोकतंत्र पर, संविधान पर है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर है, हम सब पर ये हमला है। और अब ये लड़ाई हम सबकी मिलकर बन जाती है 24 की। अलका जी, जिस तरह से हेट स्पीच हो गया या फिर फेक न्यूज वगैरह हो गया, अगर कोई दूसरे विपक्ष का हो गया या नॉर्मल कोई व्यक्ति हो, उस पर तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। जब जो सत्ता पक्ष है अगर वही इस तरह की चीज़ें फैला रहा है, तो जब नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, तो इस पे फिर विपक्ष कहाँ क्यों? देखिए, सुप्रीम कोर्ट इसमें चिंता जाहिर की है, जो हेट स्पीच है, जिस तरह के बयान और भाषण हो रहे हैं, जो राज्य में जिसकी सरकार है उसे वो कार्रवाई करनी है। आप कह रहे सत्ता पक्ष कर रहे हैं, पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका मध्य प्रदेश नहीं कहूँगी, हमारी जब तक सरकार थी कमलनाथ जी 1.5 साल रहे, नहीं होने दिया, और अब हमारी हिमाचल कर्नाटका में, पूरा हिमाचल, आप कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी को सुन लीजिएगा, किसी भी तरह की किसी को भी जाति और धर्म पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जब भाजपा की सरकारें हैं वो इस तरह की हिंसा कर रही है, तो देश को समझना होगा। प्रधानमंत्री फेक न्यूज के मामले में जिस तरह से जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में फेक बताया, तो क्या कहना चाहिए?
नहीं मैं क्या कहूँ, लोगों ने देखा ना कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री अपनी चुनावी जनसभाओं में झूठ बोल रहे हैं और सोच रहे वो बच के निकल जाएंगे, और आप लोग लगातार इतिहास के पन्नों से सच्चाई लाकर कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा था जो प्रधानमंत्री जी एक अल्पसंख्यक समूह के ऊपर टारगेट करके उन्हें कह रहे हैं। उनका पूरा भाषण बहुत से यूट्यूब चैनल्स आप लोगों ने दिखाया कि प्रधानमंत्री जी के दावों की जो है इस तरह से पोल खोली, तो मुझे लगता है आप अपना धर्म निभा रहे हैं, विपक्ष के तौर पर हम अपना धर्म निभा रहे हैं, और ये अधर्म के खिलाफ धर्म का एक युद्ध है देश में जिसमें स्वाभाविक है। आज कांग्रेस जाति जनगणना का समर्थन कर रही है, लेकिन क्या वजह रही जो 2011 के आंकड़े सामने पेश नहीं कर पाई थी कांग्रेस? देखिए मुझे लगता है इस देश में मेरा राज है और मैं सबके साथ न्याय कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरा राज जाता है तो मुझे लगता है कि अब न्याय नहीं हो रहा, अब भेदभाव हो रहा है। वो कैसे? राहुल गांधी जी ने बताया कि 90 मुख्य सचिव जो प्रशासन में केंद्र सरकार में मात्र 3 ओबीसी हैं, तो ज़रूरत महसूस की जाती है कि भाजपा देश में है, भाजपा डबल इंजन की सरकारें बहुत जगह हैं जो लोगों का हक मार रही हैं, इसलिए और ज़रूरत महसूस होगी कि जातीय जनगणना। बिहार के आंकड़े आ गए, आज प्रियंका गांधी जी ने छत्तीसगढ़ में घोषणा कर दी है, कर्नाटक हिमाचल की सरकार भी जल्द काम शुरू कर रही है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में वापसी के बाद मध्य प्रदेश में हम सबसे पहले जातीय जनगणना कराएंगे, नंबर एक काम, और जिसके जितना हक है, जिसका जितना अधिकार है, उसे वो सम्मान हम देंगे, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि ये सरकार जो है वो संघ आरएसएस की शह पर ओबीसी दलित एससी का अधिकार लगातार छीन रही है, जिसके उदाहरण हमने पेश किए। बिहार करवा सकता तो राजस्थान ने क्यों नहीं करवाया? छत्तीसगढ़ आपको मालूम है बिहार ने करवाया, फिर क्या हुआ? मामला कोर्ट में पहुंचा, बहुत बार कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगाई, केंद्र ने बंदी लगाई, बिहार की जनगणना के खिलाफ केंद्र सरकार कोर्ट में हल्फनामा देती है, पर जब लगता है कि कोर्ट फेवर में फैसला दे सकता है तो अपना हल्फनामा वापस लेने का ड्रामा भी किया गया, तो बहुत सी अड़चने थी, लेकिन केंद्र में पूर्ण बहुमत की 10 साल जब भाजपा की सरकार थी, हमें लगा न्याय होगा और उतना ही अन्याय हुआ है। अब हम कह चुके हैं, अगर महिला आरक्षण की भी बात करेंगे, राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया 24 में सरकार इंडिया समूह की बनते ही सबसे पहले महिला आरक्षण कानून लागू होगा, ओबीसी महिलाओं को हक दिया जाएगा, और 24 में इसके बाद सबसे पहले चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा का है, महाराष्ट्र और हरियाणा की विधानसभाओं में आप 33% महिलाओं को ओबीसी अधिकार के साथ लड़ते हुए और विधानसभा में पहुंचते हुए 24 में ही देखेंगे, और ये कांग्रेस का एक लास्ट सवाल है मैम, जिस तरह से एक लास्ट पत्रकारों को डराया जा रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है वो मीडिया है, उस मीडिया में जो आपके सामने झुक गए, आपके समझौते कर लिए, आपसे सवाल करने बंद कर दिए, प्रधानमंत्री जी आप ही लोगों से डर गए जो सवाल करने से बाज नहीं आ रहे थे, इसलिए 9 साल से प्रधानमंत्री जी को दोष मत दीजिए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने शर्त रखी थी कि आप सवाल नहीं करेंगे, आप माने ही नहीं, आप मान जाते कि प्रधानमंत्री जी कोई सवाल नहीं करेंगे, जो आप कहेंगे बस वही दिखाएंगे, तो शायद प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी होती, तो इसलिए, लेकिन कुछ लोगों ने कहा हम सवाल नहीं करेंगे, जो आप सवाल लिख कर देंगे प्रधानमंत्री जी कि कौन सा टॉनिक पीते हैं, बटुआ कहाँ पर रखते हैं, आम कैसे खाते हैं, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी के जो सवाल चाहते थे, सवालों से डरते हैं, नहीं सवालों से डरते हैं वो, आपके सवालों से डरते हैं, मोदी मीडिया के सवालों से वो बिल्कुल नहीं डरते हैं। आप पूछिए ना आम कैसे खाते हैं, सोते कितने बजे, उठते कितने बजे, टॉनिक कौन सा लेते हैं, है ना, तो आपके सवाल पूछिए ऐसे जवाब देंगे। मैं लास्ट क्वेश्चन, ईडी जी की जिस तरह से कार्यवाही हो रही है विपक्षी सांसदों पर, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ईडी जी की नहीं, मैं वही कहने आपने, मेरे को लगा ईडी जी, क्योंकि हम सबको अब उनका भी सम्मान करना है, क्योंकि देश में जो अब सरकार है वो ईडी जी, सीबीआई जी, पुलिस जी, ये सब अब देश जो है संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं या जिनको बिठाया गया है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके चिट्ठे पिट्ठे प्रधानमंत्री जी के पास हैं, इसीलिए उनको उन पदों पर बिठाया गया है कि आपने अगर मेरी हाँ में हाँ ना मिलाई तो पद से तो जाओगे, पद से घर नहीं जाओगे, हटने के बाद जेल जाओगे, इसलिए संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरह से कंप्रोमाइज है। नहीं साजिश क्या, ये तो किया ना उन्होंने, इंडिया समूह जब बना पहली मीटिंग कहाँ हुई? पटना में 16 दल थे, दूसरी मीटिंग कहाँ हुई? बेंगलोर में 26 हो गए, और बेंगलोर से मुंबई पहुँचते पहुँचते एनसीपी शिवसेना पर हमला होकर दो फाड़ किया, जिन्हें अजीत पवार को प्रधानमंत्री जी जनसभा में भ्रष्ट बता रहे थे उन्हें मुख्यमंत्री मंत्री बना देते हैं, सारे मामले खत्म हो जाते हैं। अभी आपको बताया 94
4% मामले ईडी के मात्र विपक्षी सरकार और उनके नेताओं पर ही है। देश में 10 साल में कोई भी ऐसा जहां भाजपा की सरकार और भाजपा का मंत्री हो और उसके घर ईडी की रेड हो रही हो और पकड़ाओ, आपने सुना 10 सालों में पूरी भाजपा दूध की धुली हुई हो गई और सारा जो है ईडी का जो खेल है सीबीआई ईडी उन सबका वो है। और मैं कहूँगी ईडी सीबीआई से कि 4 महीने की ये सरकार है बस, और जो संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हैं, संविधान की शपथ आपने ली है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ये 4 महीने के लालच में मत आएं। जो संवैधानिक शपथ ली है, जो संविधान और आपका पद कहता है, बिना डरे देश के लिए गद्दारी मत करिए। आपकी भी उतनी जरूरी देश की सरहदों के भीतर संवैधानिक पदों पर बैठकर जिम्मेदारी बनती है जितनी सरहद पर खड़े देश की सुरक्षा करने वाले हमारे जवानों की है। हम आपको और उन्हें एक जैसा देखते हैं, वो सरहद पर खड़े होकर गोली खा के माँ भारती को बचा रहे हैं, हम सबको सुरक्षित भाव दे रहे हैं, हम अपने घरों में सो रहे हैं, उतनी ही माँ भारती या पूरा देश आपसे उम्मीद करता है कि आप करें। लेकिन दुख की बात है कि कम्प्रोमाइज है हमारी संविधान। अर्चना गौतम का क्या कहना है?